हाय फ्रेंड्स, तो हम सीसीटीवी का काम करते हैं। तो सीसीटीवी के काम में कई बार ऐसा होता है कि आपको नेटवर्क केबल डली हुई रहती है और आपको नॉर्मल एचडी कैमरे लगाने रहते हैं। तो एचडी कैमरे अगर लगाने रहते हैं तो आप देखते हैं कई बार कि आप जब नेटवर्क केबल लगी हुई और एचडी कैमरे लगाने हैं तो आपको बीएनसी कनेक्टर यूज़ करना पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला पीएनसी कनेक्टर है, ये यूज़ करते हो और इसको काट के अपन ज्वाइंट करते हैं। तो आजकल मार्केट में एक बलून आने लग गया है, बीएनसी बलून। ये नेटवर्क बलून है जो नेटवर्क केबल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और मैं इसको दिखाऊँ आपको कि किस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं और ये किस प्रकार से नेटवर्क केबल से कनेक्ट होकर एचडी कैमरा चल सकता है अपना। तो इसको मैं कॉल के आपको कनेक्ट करके बताऊंगा डीवीआर से। आप देख लीजिए वीडियो बलून वाया सीसीटीवी नेटवर्क केबल से कनेक्ट कर सकते हैं अपन इसको। और इसमें दो पैर रहते हैं, एक आपको डीवीआर की तरफ लगाना रहता है और दूसरा कैमरे की तरफ लगाना रहता है, ये वाला जो कैमरे की तरफ लगता है। तो मैं इसको कैमरे से कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें बीएनसी कनेक्टर जुड़ा है और एक तरफ आरजे 45 कनेक्टर सॉकेट लगा हुआ है। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और पावर को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। और एक तरफ ये दूसरा अपना ये फीमेल फिर आरजे 45 कनेक्टर है और इधर भी बीएनसी है, ये डीवीआर की तरफ लगेगा। और इसमें पावर इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो एडाप्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसको 12 वाट पावर दे सकते हैं। तो मैंने इसको इस पर कनेक्ट कर देता हूँ डीवीआर के ऊपर। ये हिपिजन का डीवीआर है, मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया इसको। और दूसरी तरफ इसको मैंने पावर भी दे दिया है। इधर मेरे हाथ में है आरजे 45 फीमेल कनेक्टर और कैमरे की तरफ भी अब बन गया है आरजे 45 फीमेल कनेक्टर। ये रेडी हो गया, पावर और वीडियो सिग्नल दोनों रेडी है। अब मैं लेता हूँ ये नेटवर्क केबल। जैसे कि आप देखते हैं किसी साइड पे आपने देखा हो कि नेटवर्क केबल डाल रखी है आईपी कैमरे के लिए, और आपको आईपी यूज़ नहीं करना है और आईपी की जगह एचडी कैमरे यूज़ करना है, तो वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो ये आपका आरजे 45 केबल नेटवर्क केबल इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इधर कनेक्ट कर दिया और आप देख लीजिए दूसरी तरफ भी मैं ये केबल कनेक्ट कर देता हूँ। जो मैंने केबल कनेक्ट कर दिया, जैसे कनेक्ट करते हैं आपका कैमरा लाइव हो जाए। ये एलसीडी में कैमरा लाइव चल गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कैमरा चल गया लाइव और आप देख लीजिए इसकी क्वालिटी वगैरह में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये कैमरा चालू हो गया है। इस बलून की मदद से आप नेटवर्क केबल से भी एचडी कैमरे चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें आपको टेपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर को लगता है कि आपने कोई टेपिंग किया है, कोई जुगाड़ किया है, तो ये जुगाड़ वाला ऑप्शन नहीं है, प्रोफेशनल चीज़ है वो, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें एक चीज़ और दे रखी है, एक वीडियो के लिए अलग से एक टाइप का अपना टीवी सॉकेट भी दिया हुआ है, जिससे ऑडियो वीडियो में केबल में आता है, दोनों तरफ दे रखा है। तो इससे भी आउटपुट इनपुट आप अलग से ले सकते हैं। और इसमें देख लीजिए आप पावर वगैरह दोनों इसी केबल में यूज हो रही है। और इधर आपको देख रहे हैं आउटपुट में, ये आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है इससे। तो ये बहुत ही बढ़िया बलून है। तो आप देख लीजिए, आप इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं बीएनसी की जगह वीडियो बलून। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। आपको आगे मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारी देता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।